अपने पास अपने कब्जे में ले लिया है और जिस प्रकार से जो विजुअल हम दिखा पा रहे हैं उनमें बहुत स्पष्ट है कि किस तरह से इन पर तेजाब फेंका गया है और किस तरह से ये लोग तड़पे हैं, तड़पते हुए जिस तरह से भागे हैं और फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वहां के बिल्कुल शून्य थे, पेट्रोल पंप के खराब थे, जो कि पेट्रोल पंप के जो व्यवस्था है, जो नियम है उनके भी विरुद्ध जाते हैं क्योंकि वहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक होना अत्यंत अनिवार्य माना जाता है, लेकिन कोई भी उनके संयंत्र काम नहीं कर रहे थे। चंडीगढ़ जो है आपराधिक गतिविधियों का एक केंद्र बनता जा रहा है, जिस प्रकार से तीन चार वारदातें कम समय में हो जाती हैं, तो पेट्रोल पंप की घटना सामने है जिसमें बाइक पर युवक आते हैं और तेजाब डालकर फरार हो जाते हैं। मौके पर कई लोग खड़े हैं लेकिन वो नहीं उन्हें पकड़ पाते, पुलिस का नाका है 50 मीटर की दूरी पर, वो उन्हें नहीं पकड़ता। और इसी प्रकार मने जावे चाकू मारे जाते हैं, 16 सेक्टर गोली चलाने की घटना होती है और चौथी घटना जो है लूट मार की होती है। इस तरह चार घटनाएं अगर 2 घंटे में बीती है कहीं भी, तो निसंदेह ट्राई सिटी चंडीगढ़ में लोगों के अंदर खौफ पैदा होना स्वाभाविक है। जी विकी, बिल्कुल चंद्रशेखर। और इन तमाम तस्वीरों को देखने का पता लगता है कि वो उन्होंने किसी तरह से अपना चेहरा भी नहीं ढका हुआ था, वो खुलेआम आते हैं, तेजाब डालते हैं और फरार हो जाते हैं, कोई डर नहीं। ये लोग बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी भय के बाइक पर आए, जैसे कि एक तरह से रेखी कर रहे हो, पीछा कर रहे हो और आकर तेजाब उड़ेलते हैं, उड़ेलकर जिस प्रकार से फरार होते हैं और जिस प्रकार से युवती व युवक तड़पते हुए देखे जाते हैं दृश्यों के अंदर।